नए दिन नए व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई आरडीआर और बहुत दिनों बाद यार व्लॉग बना रहा हूँ। आज अभी जा रहे हैं शादी में, रिशु के गांव में शादी है, वहाँ पे दिखाएंगे आपको किलो और हिमाचली वेडिंग कैसी होती है। वो जो ऊपर आपको घर दिख रहे हैं लास्ट में, तो उसी साइड जाना है हमने शादी देखने। एक्चुअली बारात तो कल जाएगी, बट आज जो रस्में रुस्में होती हैं वो सारी की सारी आज हैं, वह निकलेगी कल बारात। रिशु भाई अपना गया है फ्रेंड से मिलने, जैसे वो आता है फिर हम दोनों भाई निकल जाएंगे। तो वो लोग रिशु भाई अपना थोड़ी बाद में आएगा, तो वो बोल रहा है कि पैदल चल, वो मुझे आगे मिल जाएगा कहीं। और ये रहा अपने भाई का गाँव, यहाँ से ऊपर तक है यार। और ये रहा गाँव सारा का सारा, यहाँ पे पहुंच गया हूँ। यहाँ पे मुझे बोला है रिशु भाई ने वेट करने के लिए, एंड ये जैकेट लेके आया हूँ, ये एक भाई को देनी है। ये भाई का घर पीछे, बस आने वाले हैं भाई भी, मिलवाता हूँ भाई से भी, इकट्ठे जाएंगे उसके बाद सारे के सारे शादी में। इन्हीं के लिए लेके आया था मैं ये जैकेट। ये लो भाई, ये अपने शानू भाई। और भाई कैसे हो, क्या है भाई, क्या है आप बताओ। बढ़िया, वो नहीं आए बाकी, नहीं बस आने वाले यार, मेरे को बोलते कि यहाँ पे वेट करना आपके घर के पास। हाँ पीछे पता नहीं यार, बड़ी देर से गया, वो आने वाला है वो। हाँ बड़ी देर से गए, हाँ दोनों दिन ही नीचू गया था रहा काफी देर से। हाँ फ्रेंड के साथ मिलना था ना, चलो वेट करते हैं कब तक आते हैं पता नहीं। तो भाई लोग अपने भाई भी पहुंच चुके हैं, देख सकते हो रिशु वहाँ पे है, एंड ये अपना गुगलू भाई, और अभी जा रहे हैं शादी वाले घर। चले फिर रिशु भाई, चलो चलो भाई चलो, बड़ी देर वेट करवाया यार आपने। यहाँ पे रिशु भाई वालों की बोल सकते हो पार्किंग हो रही है, मतलब कि इससे आगे बाइक नहीं जाती है, यहाँ से पैदल सफर होगा, चल के जाना पड़ेगा अपने को। ऊपर आ जाएगा, वो तो ऊपर लगा दे फिर तू भी। तो अभी यहाँ से पैदल जाएंगे यार सारे के सारे भाई, एंड ये बोल सकते हो कि ये अपर एरिया है इसके गांव का, एंड यहाँ पे रिशु के घर है वो लोअर एरिया। और यहाँ से ये ऊपर जो आपको पहाड़ी दिख रही है, ये जोत की पहाड़ियाँ हैं यार, बर्फ पड़ती है पता नहीं कब तक पड़ेगी। चलो भाई चलो, अरे यार यहाँ से पहाड़ों का नजारा देखो। फाइनली हम पहुंचने वाले यहाँ पे, चलिए हुई मैरिज एंड अपने भाईचारे। कन्नू भाई को देख सकते हो आप, उस दिन गया था मैं भाई के साथ, तो यहाँ पे यार मैरी चली हुई, पहुँच गया फिर घर। और भाई जी ठीक ठाक है, और यहाँ से व्यू भी देखो कितना सुंदर आ रहा है यार। बोल रही छू बाबा, क्यूट बच्चा हवा पप्पा पीछे। तो यहाँ पे कुछ मैरिज का रिचुअल चला है, देख सकते हो पूजा अर्चना जो भी हो रही है अभी। अपना भाईचारा ऊपर गया तो मैं अभी ऊपर ही चलता हूँ यार। ऋषि के गांव में सेकंड शादी देख रहा हूँ, पहले एक सिस्टर की शादी देखी थी, और यहाँ देखो इनको। शादी में बहुत काम किया और थक चुके हैं हम तो। हाँ जस्ट आए और थक गए, चलते चलते थक गए। मैं तो थकता नहीं हूँ कभी भी। कौन तो थकता सुबह से काम। और ये भाई, ये वाले भाई तो सुबह से लगे होने काम करने, क्यों भाई? कैम भाई सुबह से भाई, बिल्कुल हमारी। ये देखो बाबा व्यू, तो यहाँ पे आप व्यू देख सकते हो यार कितना सुंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तोरना लगा रहे हैं यार, एंट्री पे लगाया जाता है ये, एंड ये लड़के का मामू होता है वो लगाते हैं, तो यहाँ पे ये एंट्री गेट पे लगेगा अभी। मामू है ना आप लड़के के? हाँ जी, एंड वो चाचू ताए, चाचा हाँ वो चाचू हैं। पहले रिचुअल देखा आपने नीचे, तो अभी ये होगा। शानू बाबा पूरी फुल पावर हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। चला हुआ था पूजा बाजा, मेरे को इतना एक्चुअली पता नहीं है कि कौन सी पूजा होती है, ये इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट देख ही लिया आपने कुछ इस तरीके से होते हैं रिचुअल्स। रात के टाइम शायद डांस वगैरह भी होगा, भी दिखाऊंगा, बस बने रहना व्लॉग में, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। 20 मिनट्स लेटर, इस जगह पे खाना वगैरह बन रहा है अपने भाईचारे जो भी खिला रहे हैं यहाँ पे, तो खाने में यहाँ पे आप देख सकते हैं खट्टा है, दालें होंगी, यही है सारा का सारा जो भी बना हुआ है, वहाँ की दाल, चने की दाल, भैया के राजमा। हाँ जी
और क्या क्या है? यही है। ओके ओके ओके, थैंक यू। एंड इस जगह पे खिलाते हैं खाना, मतलब मंदिर के साथ में है जगह, दूसरी साइड मंदिर है, मैं बताया नहीं आपको, बताऊंगा मैं क्या। तो अभी खाना वगैरह खाने लगे हैं सारे के सारे भाई, चलो खाते हैं यार खाना। तो कुछ इसी तरीके के बैठ के, मतलब संतुष्ट वाला भोजन, मतलब हमारे शहरियों की तरह नहीं होता, स्टैंडिंग स्टैंडिंग स्टैंडिंग, मतलब बैठ के बिल्कुल तसल्ली से। बहुत बढ़िया तरीका, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि शहरों में स्टैंडिंग होता है, ये होता है, वो होता है, मतलब अपना अपना तरीका होता है। मतलब हमारे गाँव में मोस्टली ऐसा ही सीन होता है, बैठ के बिल्कुल तसल्ली बख्श खाना। वगैरह खा लिया है, अभी आपको मैं मंदिर दिखाता हूँ यार, जिसकी मैं बात कर रहा था पहले। तो ये यार वो मंदिर, इस मंदिर का नाम है गणपतु मंदिर। बाकी इसकी स्टोरी यहाँ पे लोकल जो है उनको पता होगी, मेरे को तो कुछ खास पता नहीं, बस इतना पता है कि यहाँ पे जागरण होता है। उस टाइम पे मैं भी था यहाँ पे जब जागरण हुआ था। तो इस मंदिर कैंपस के अंदर ही पहली साइड हमने खाना खाया है, एंड इस साइड मंदिर है। बाकी अपना भाईचारा ऊपर चला गया यार, मैं भी चलता हूँ अभी ऊपर वाली साइड। तो अब लोग खाना वगैरह खा के अभी हम भाई जा रहे हैं मार्केट वाली साइड, शादी में बाद में जाएंगे, अभी अपनी पेट पूजा होगी, अभी ऐसे ही घूमते फिरते हैं थोड़ा। अभी काफी रिचुअल वगैरह चले, आपको पता, वो तेल डालते हैं, फिर भूटना वगैरह जो भी होगा, सारा का सारा सीन देखा ही होगा आपने मोस्टली, मतलब वैसे होता है सिमिलर हमारे यहाँ पे भी। बस ये डिफरेंस है कि जो अपर हिमाचल में होती है वो होता है शिव विवाह, और यहाँ पे जो होगा वो राम विवाह होगा, ये डिफरेंस है। वैसे एक्चुअली बारात कल जाएगी, तो कल ज्यादा पूरा का पूरा दिखाऊंगा आपको जो भी हो रहा होगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और ये रावना डंगर, ये घोड़ी जा रही है लड़ा साहब के लिए। ओए नठिया वाला नहीं लड़दी, मैं अब लेऊंगा चल उंदी बारी आई है फोटो टिकने। तो यहां पे एक्चुअली कटिंग कुटिंग करवाने आए हो यार, यहां पे करवानी तूने भी कटिंग ऋषि? ओके ओके ओके, आप अपने भाई का हुलिया देख सकते हो, कुछ बड़ा ही अजीब सा है। पुणे से है भाई, मैं मतलब मेरे को बहुत गर्व होता है, मैं हिमाचल में पैदा हूँ। बट जिस टाइम मैं ना थोड़ी सी थिंकिंग अलग से लेता हूँ कि हाँ भी एमसी स्टैन पुणे से और मैं हिमाचल से, और हिमाचल के बंदे को बोलते हैं बंगड़ निशेड़ी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बट मैं कोई भाई कोई नशा नहीं करता, सीधी सी बात है, ठीक है, आई डोंट केयर। और दूसरी बात ये, तुम कभी भी नहीं मतलब समझ सकते कि ब्रो तुम दूसरे को अंगूठा दे रहे हो ना, लाइक ठीक है, वो मुझे नहीं दे सकते ना, मेरे को वो बैड सी फील होती है ब्रो। मैं कल के दिन हिट हो जाऊं, मैं ऐसे गाने निकालूं तो, बट तुम पता क्या बोलोगे कल के दिन, पता क्या बोलोगे कि हाँ भाई ऋषि बाबा ने मतलब गालियां निकाली। 60,000 सब्सक्राइबर मेरी जनता जो मेरी सपोर्ट कर रही है, ट्रिपल आर गैंग, सबसे पहले ट्रिपल आर, बहुत हार्ड सीन, गलत सीन, हार्ड रहेगी। 60,000 सब्सक्राइबर मैं कल के दिन यहाँ पे चुवाड़ी में खड़े कर दूं ना उन बंदों को, वो कल के दिन यहाँ पे खड़े होंगे ब्रो, क्या बोलता आडिया, मेरी जो जनता है, मेरे जो भाई हैं वो खड़े होंगे। बट भाई यहाँ पे दिक्कत ये आन लाग रही है भाई कि भाई क्या बोलूं, बट यहाँ पे फीलिंग समझ रहे, समझ सकते हो भाई आप। हमने अभी यहाँ से निकल रहे हैं, आपको पता है जल्दी अंधेरा हो जाता है, चार बंदे थे कटिंग करवाने वाले, दैट्स व्हाई टाइम लग गया सारा का सारा, लगभग मार्केट सारी की सारी बंद होने वाली है अभी साथ साथ। अभी मिलते हैं आपको घर जाके।